जीएम फसल यानी जनुकीय परिवर्तन की गई फसल। सरल भाषा में कहे तो ऐसी फसल जिसमें किसी अन्य जीव के जनुक डाले गए हो, जिससे फसल में उस जीव के कुछ विशिष्ट गुणधर्म समा जाए। आज दुनिया भर में इसके खिलाफ विरोध जारी है। यह विवादास्पद और संदेहपूर्ण होते हुए भी महाराष्ट्र के महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में जीएम मकई का क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है, वह भी ऐसे परीक्षण के लिए अत्यावश्यक नियंत्रक समिति का गठन ना करते हुए। इसलिए 29 अक्टूबर 2014 को जीएम मुक्त महाराष्ट्र समूह द्वारा इस बारे में राहुरी कृषि विद्यापीठ से संवाद करने की पहल की गई। जीएम मुक्त महाराष्ट्र यह हिस्सा है जीएम मुक्त भारत अभियान का, जिसके किसान, विभिन्न व्यक्ति तथा संगठनाएं हिस्सा है, जो जीएम फसलों से होने वाले असुरक्षित विपरीत परिणामों को देखते हुए उसके वैज्ञानिक तथ्य सामने रखकर इसका विरोध कर रही है। यह विरोध क्यों है? क्या है जीएम फसलों के दुष्परिणाम? अगर आरोग्य या सेहत के बारे में देखें, तो संशोधन में यह पाया गया है कि जीएम अनाज तथा जीएम बीजों के साथ इस्तेमाल किए गए रसायनों से किडनी, लीवर तथा पाचक ग्रंथि इत्यादि को हानि पहुंचती है। यह अनाज सजीव के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को बिगाड़ देती है। सजीव की शारीरिक वृद्धि तथा विकास में रुकावट पैदा करती है, प्री कैंसरस ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इसके अलावा यह बिगाड़ आगे आने वाली पीढ़ियों में संक्रमित होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। अगर पर्यावरण के नजरिए से देखें, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अनैसर्गिक जनुकीय परिवर्तन के कारण जैव विविधता से भरे पर्यावरण में अनचाहा और अनभिप्रेत जैविक प्रदूषण हो सकता है, जिसके अपने अलग धोखे हैं। जीएम फसलों से सुपर पेस्ट और सुपर वीड यानी ऐसे कीड़ और खरपतवार का निर्माण हुआ है जिसका नियंत्रण मुश्किल है। इससे फसल चक्र में विपरीत परिवर्तन हुआ है, जैसे कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों का कार्य तथा मित्र कीटक प्रभावित होना। इसके अलावा एचटीजीएम फसलों के साथ खरपतवार नाशक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, जिससे मिट्टी, पानी तथा जैव विविधता पर गहरा असर होता है। अगर सामाजिक, आर्थिक, राजकीय परिणामों की ओर देखें, तो किसान के पास कम पर्याय उपलब्ध रहेंगे और मॉन्सेंटो जैसी गिनी चुनी कंपनियों के हाथ बीजों का एकाधिकार होगा, जिससे किसान की आजीविका प्रभावित हो सकती है। एकाधिकार होने के कारण बीजों के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे छोटे तथा गरीब किसान के लिए खेती में अनिश्चितता बढ़ सकती है। इसके अलावा किसी भी देश के लिए अन्न सुरक्षितता प्रमुख होती है और यह बीज सुरक्षितता पर निर्भर होती है। ऐसी परिस्थिति में मॉन्सेंटो जैसी विदेशी कंपनी के हाथ में बीजों का एकाधिकार होना यानी देश की स्वतंत्रता और सार्वभौमता को बड़ा खतरा है। पर अब सवाल यह है कि जीएम फसलों के क्षेत्र परीक्षण को विरोध क्यों है, जबकि यह केवल परीक्षण है, ना कि यह तुरंत हमारे आहार का हिस्सा बनेगा। तो इसमें गौर करने की बात यह है कि यह एक जीवित तंत्र ज्ञान है। किसी भी फसल का उत्पादन होने के लिए पहले उसमें फूल आते हैं और फूलों में स्थित परागों का कीट, पतंग, हवा इत्यादि से परागण होकर उससे उपज मिलती है। ऐसे खुले परीक्षण के दौरान जीएम फसल का परागण अन्य प्रजातियों में हो सकता है, जिससे अन्य प्रजातियां दूषित हो जाएंगी और यह पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होता रहेगा। इस कारण अगर भविष्य में हमें इसके विपरीत परिणाम ध्यान में आए, तब भी हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह निसर्ग चक्र का हिस्सा बन चुकी होगी। दुनिया भर में आज तक जहां भी ऐसे क्षेत्र परीक्षण हुए हैं, वहां पे यह देखा गया है कि अन्य प्रजातियों में इसका परागण होकर प्रजातियां दूषित हुई हैं और इसका दुष्परिणाम किसानों की आजीविका तथा पर्यावरण पे हुआ है। और यहाँ पे तो जीएम मकई का परीक्षण हो रहा है, जिसमें बहुत बड़े दायरे में परागण फैलने का खतरा है। जीएम फसलों के विपरीत परिणाम दर्शाने वाले ढेरों वैज्ञानिक सबूत तथा समाज के विभिन्न तत्वों से होने वाले विरोध को देखते हुए देश के 11 राज्यों ने इस क्षेत्र परीक्षण को नकारा है, जिसमें महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा कर्नाटक शामिल है। इसके अलावा कृषि विषयक संसदीय स्थायी समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी ने जीएम फसलों का खुला परीक्षण न करने की जोरदार सिफारिश की है।
इन सभी कारणों से राहुरी कृषि विद्यापीठ में हो रहे जीएम मकई के क्षेत्र परीक्षण को विरोध करना, उस हेतु संवाद करना जीएम मुक्त महाराष्ट्र समूह को आवश्यक लगा। इस संवाद हेतु महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक से अनेक किसान, विभिन्न व्यक्ति, वैज्ञानिक, उपभोक्ता तथा किसान और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए। कोई भी नारा ना देते हुए सभी शांतिपूर्वक राहुरी कृषि विद्यापीठ के प्रशासकीय कार्यालय में पहुंचे। हम हमेशा शांतिवादी रहेंगे, प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे और विज्ञान के ऊपर आधार रख के करेंगे, मगर हमारा विज्ञान सिर्फ पैसे को देखने वाला विज्ञान नहीं होगा। हमारा विज्ञान प्रकृति को, किसान को, उनकी आने वाली पीढ़ी को, अपने स्वास्थ्य को और देश प्रेम को देखने वाला विज्ञान होगा। वह चाहते थे कि विद्यापीठ के कुलपति से इस बारे में संवाद हो। इसी विद्यापीठ के कुलगुरु ने सन 2009 में हुई चर्चा में यह कहा था कि जीएम फसलों के क्षेत्र परीक्षण से होने वाले संभाव्य विपरीत परिणामों को देखते हुए यह विद्यापीठ भविष्य में ऐसे क्षेत्रीय परीक्षण को अनुमति नहीं देगा। इसलिए इस संवाद के मुद्दे कुछ इस प्रकार थे। विद्यापीठ जीएम फसलों का क्षेत्रीय परीक्षण ना करने की अपनी भूमिका से पीछे क्यों हटा? इसके लिए क्या वैज्ञानिक आधार है? क्या जीएम मकई के क्षेत्र परीक्षण के दौरान मकई के दूसरे प्रजातियों में इसका परागण ना हो, इस दृष्टि से क्या आवश्यक सावधानियां बरती गई है? क्या ऐसे परीक्षण के लिए अत्यावश्यक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन हुआ है जिसके जिलाधिकारी प्रमुख हो? हमने विद्यापीठ के साथ बहुत सारे यंत्रणा के लोगों से संपर्क संवाद करने की कोशिश की है। जब हमें पता चला कि जीएम क्रॉप जैसे घातक फसल की ट्रायल्स यहाँ पे चालू है और ये ट्रायल्स के वजह से क्या क्या नुकसान होने वाला है, ये सब साइंटिफिक एविडेंस है, फिर भी ये लोग आगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हमने सवाल पूछने की कोशिश की, मगर अभी तक विद्यापीठ से और यंत्रणा से किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। हम संवाद का आग्रह लेने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि विद्यापीठ के कुलगुरु उपस्थित नहीं थे तो विद्यापीठ के अन्य अधिकारियों के सामने जीएम मुक्त महाराष्ट्र समूह के 5 प्रतिनिधियों ने यह मुद्दे रखे तथा जीएम से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों के प्रमाणित सबूतों की फाइल दी। आज तक विद्यापीठ से अनेक बार पत्र व्यवहार कर जीएम क्षेत्र परीक्षण के बारे में पूछने की, उनकी भूमिका जानने की कोशिश की गई, लेकिन विद्यापीठ ने इसको अनदेखा किया। इस कारण जब प्रतिनिधियों ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण पूछकर विद्यापीठ को जगाया तो विद्यापीठ कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया और उन्होंने अपनी भूमिका रखने के लिए और संवाद करने के लिए कुछ और समय मांगा है। जब प्रतिनिधि संवाद कर रहे थे और अन्य सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे थे तभी श्री शरद जोशी की शेतकरी संगठन के कुछ प्रतिनिधि नारे देते हुए विद्यापीठ पहुंचे। उन्होंने जीएम परीक्षण को समर्थन जताते हुए जीएम को विरोध करने वालों को देश का दुश्मन तथा पेस्टिसाइड कंपनियों का एजेंट होने के आक्रामक नारे दिए। फिर भी जीएम मुक्त महाराष्ट्र समूह ने शांति कायम रखी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, शरद जोशी जिंदाबाद, जीएम के दुश्मन, देश के दुश्मन। कीटनाशक कंपनियांचा एजेंटांचा। प्रतिनिधि वापस आने के बाद उन्होंने सदस्यों को संबोधित किया और जब तक परीक्षण बंद ना हो तब तक विरोध जारी रखने की भूमिका ली। पिछले 12,000 सालों से इंसान इस दुनिया में खेती कर रहे हैं और इन 12,000 सालों में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी खेती में नहीं आया जो ना सिर्फ खेती के लिए, किसान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और जिस टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा चर्चा और इतना बड़ा विरोध पूरे दुनिया में हो, तो ऐसा एक टेक्नोलॉजी पिछले 20-30 सालों में दुनिया में लाया गया है और हम ये भी देख सकते हैं कि क्यों लाया गया है और किसकी मुनाफे के लिए लाया गया है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की कुछ खूबियां है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारा विरोध इतना स्ट्रॉन्ग है और वो सस्टेन रहे, ये जारी रहेगा। एक तो ये है कि ये एक जीवित टेक्नोलॉजी है, कोई भी दुनिया में ऐसे टेक्नोलॉजीज नहीं आए हैं, खेती में हो या कुछ और सेक्टर में, ऐसे टेक्नोलॉजीज जिसकी प्रोडक्ट हम पर्यावरण में बाहर छोड़ दे, वो अपने आप बढ़ता जाएगा, अपने आप प्रदूषण करता जाएगा और उसको वापस हम कभी बुला नहीं पाएंगे। ये इर्रिवर्सिबल है, अनकंट्रोलेबल है, ये एक जीवित टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर जो भी प्रयोग हो रहे हैं
वह प्रयोग भले उसके पीछे कोई भी हो, कौन सी भी ताकत हो, मेरा पहला कंसर्न है कि वो इंसान को खतरा पैदा करने वाला ना हो। आज जो विज्ञान पर दावा करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक है वो दोनों तरफ बटे हुए हैं, और जब तक ऐसी किसी को भी यदि शंका है तब तक यह आगे नहीं बढ़ना चाहिए, यह हमारा कहना है। आपने पहले कुछ सालों पहले ये बोला था कि हम ये टेस्टिंग नहीं करेंगे, और आपने अभी निर्णय बदला, तो इसकी वजह क्या? इसके लिए यदि आपने कुछ टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट किया होगा, फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट किया होगा, तो वो क्या है? साम्राज्यवादियों के खिलाफ हमारा संघर्ष है। वो कंपनी साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और देश में जो शासन बैठा है वो शासन बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशी कंपनियों को अपने देश में प्रवेश देने के लिए तैयार हुई, और उसके अनुसार पर उन्होंने पूरी अर्थनीति और राजनीति चालू की। इसके लिए इस नीति के खिलाफ और साम्राज्यवादी मोनसांटो जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ हमारा संघर्ष है। जब आप किसी भी विज्ञान को सिर्फ पैसे से देखते हैं तो आपको पंजाब की जैसी स्थिति मिलेगी, जहाँ पे आज कैंसर दुगुना हो गया है, जहाँ पे आज एक तिहाई जमीन में पानी नहीं है, जहाँ पे आज किसान खुदकुशी करते हैं, और दूसरी तरफ कंपनियां वही पुरानी, मैं ये कहूँगा कि ये तो GM बीज वाली टेक्नोलॉजी, ये पुराना दारू नई बॉटल में आ रहा है, वो वही चाहते हैं कि किसान हमारे गुलाम बने और इस देश के जमीन पानी को हम चूसते रहे। अब ये नहीं चलेगा। दुनिया भर में लोग, जनता जग गई है। जिस समय पेस्टिसाइड आ रहे थे तब जितना आसान हो रहा था उनके लिए डालना, अब आज GM बीज सारे विश्व में, न सिर्फ हिंदुस्तान में, सारे विश्व में डालना उनके लिए आसान नहीं है। कच्चे विज्ञान के आधार पर आप रिलीज करो, फिर जब उनको पता होता है कि नुकसान होता है उसको दबा के रखो, और फिर जब जनता जागती है तब उसको बान करो। ये हुआ है डाइक्लोफेनाक सोडियम में, यानी कि वेटरनरी ड्रग में, बहुत सारी दवाइयों में भी ये हुआ है जो आदमी के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होती है, बहुत सारी खेती के पेस्टिसाइड के लिए भी हुआ है। हम किसी के एजेंट नहीं है, हम अगर एजेंट है तो आने वाली पीढ़ी के एजेंट है, हम एजेंट है तो इस देश के जमीन पानी पर्यावरण जंगल बीज किसान उनके एजेंट है, और उसके लिए काम कर रहे हैं। ये लोग जो कह रहे हैं हम पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के एजेंट है, उनकी जानकारी के लिए कह रहे हैं बीज कंपनी और पेस्टिसाइड कंपनी अलग अलग नहीं है, वही कंपनी है जो बीज भी बेच रहे हैं और जहर भी बेच रहे हैं, ये हमें याद रखने की जरूरत है। इसके बाद सदस्यों ने कृषि विद्यापीठ से बाहर निकलते समय GM के विरोध में अपनी भूमिका स्पष्ट करने वाले नारे लगाए। किसान स्वराज का संदेश, अपना बीज अपना राज। किसान स्वराज का संदेश, अपना बीज अपना राज। जल जंगल बीज जमीन, वो किसानों के अधीन। GM बीज धोखा है, देश बचाओ मौका है। GM बीज धोखा है, देश बचाओ मौका है। इसी बीच द स्टेट्समैन के प्रमुख संवाददाता श्री अरित्र भट्टाचार्य ने महाराष्ट्र के भूतपूर्व कृषि मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल इनसे बात की, जिसमें उन्होंने BT कपास जैसे GM फसल की आलोचना की और इसे किसान के शोषण का जरिया बताया। I spoke to the former agriculture minister Radhakrishna Vikhe Patil, and he had to say that GM crops are actually a disguise for exploiting farmers. He was also very critical of the performance of BT cotton, the only commercially cultivated GM crop in India. He said that the consumption of pesticides and insecticides had increased manifold after the introduction of BT cotton, and many pests which are resistant to the BT gene had also developed. He criticized the state agricultural universities, and he said that state agricultural universities, since they have all the wherewithal for research in agriculture, they should be focused on developing traditional varieties of seeds and not promoting GM seeds which are brought out by the
biotechnology corporations and state agricultural universities are acting in collusion with them. विद्यापीठ से पर्याप्त संवाद ना होने के कारण और इस क्षेत्र में परीक्षण के लिए आवश्यक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की स्थिति जानने के लिए कुछ प्रतिनिधि अहमदनगर के जिलाधिकारी से मिले और उनसे इस संदर्भ में चर्चा हुई। जिलाधिकारी डीएलसी से अनभिज्ञ थे, उन्होंने कहा कि वे इस बारे में जानकारी लेकर 10 दिनों में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। We come to you with a great sense of urgency because you know we do want this trial to be stopped. Like we said, in this phase it has prima facie contravened the guidelines and the EPA rules that are out there. This district committee and all Where are those guidelines? It's EPA 1989 rules, okay. Meant for GMOs and hazardous organisms. It's a 1989 guidelines under the 1986 Act. If you give us your email, we will send it straight away. So that might be available on YouTube. And you are supposed to be the chair. Okay. And whenever such trials are happening, you have the oversight authority. And take action when you come across contraventions. Which crop they are raising? Maize. To stop this trial. We have tried our best by going to the university, but not many people have heard us. So we have. Firstly, I'll call them with records. You see that they can show me. The most urgent task is to try and stop the trial. You remove the crop, that is the only. जीएम फसलों से स्वास्थ्य, पर्यावरण और बीज सार्वभौमता को होने वाला खतरा देखकर तथा जीएम फसलों के परीक्षण के दौरान नियंत्रक समिति का गैर हाजिर होना, ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में इसके खिलाफ जन आंदोलन और तीव्र होने जा रहा है। आशा है कि महाराष्ट्र की नई सरकार विज्ञान और समाज को गौर से सुनेगी और गुजरात, राजस्थान इत्यादि राज्यों का अनुसरण कर जीएम क्षेत्र परीक्षण को तुरंत रोक देगी।